हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो लीनियर एलजेब्रा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न गेट 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहती है, द सेट ऑफ ऑल जो एक्स हैं मेंबर होंगे वो हम रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, फॉर विच द वैक्टर्स जो हैं वो 1, x, 0, 0x2, 1 एंड 0, 1x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन आर क्यूब। तो हमें बताना है ये जो हमारे चार ऑप्शन है कि जो x बिलोंग करेगा सच दैट x की वैल्यू 0 होगी, x बिलोंग करेगा r में लेकिन x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, x बिलोंग करेगा r में लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x बिलोंग करेगा r में जबकि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो तीन वैक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर इस प्रकार से लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन के रूप में, तो C1 α1, C2 α2, C3 α3, इसको तो 0, 0 होता है। तो इसे हम मैट्रिक्स रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1x0, यहाँ से 0x2, 1 और यहाँ से 0, 1x। अब देखिए इन्होंने बोला है कि ये li है, li है यानी कि जो C1, C2, C3 वो 0 है, यानी कि इसकी जो रैंक होगी वो 3 ही होगी। li है ना, 3 ऑर्डर का है तो इसकी रैंक 3 ही होगी। और जब इसकी रैंक 3 है तो इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो मैं क्या कर दूँगा, एक्सपेंड कर दूँगा, तो x² × x, x³ - 1 किसके बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, 0 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ≠ 1, यानी कि जो आपका a होगा उसमें जो आपका x आएगा वो r में बिलोंग करेगा, कौन सच दैट कि जहाँ पर x की वैल्यू 1 ना हो, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।